बजरंग दल हिमाचल प्रदेश की ओर से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने को पहली से 18 मई तक अभियान चलाया जा रहा है। पहले स्नान फिर मतदान, उसके बाद जलपान के नारे को लेकर बजरंग दल 19 मई को नए मतदाताओं के अलावा बुजुर्गों और दिव्यांगों को भी मतदान केंद्र तक पहुंचाने में मदद करेगा। बजरंग दल हिमाचल प्रदेश की ओर से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने को पहली से 18 मई तक अभियान चलाया गया है। पहले स्नान फिर मतदान, उसके बाद जलपान के नारे को लेकर बजरंग दल 19 मई को नए मतदाताओं के अलावा बुजुर्गों और दिव्यांगों को भी मतदान केंद्र तक पहुंचाने में मदद करेगा। बजरंग दल के प्रांत संयोजक तुषार डोगरा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के संगठनात्मक 24 जिलों और 118 प्रखंडों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पत्र बांटे गए हैं। इसके अलावा कॉलेजों में नए मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है। इसके अलावा धार्मिक संगठनों एवं निजी कार्यालयों में संगोष्ठियों का आयोजन भी किया गया है। इस अवसर पर बजरंग दल के घनश्याम ठाकुर, हरदीप सिंह व कुलविंदर सिंह भी मौजूद रहे। आज मंडी जिला में हमारे संगठनात्मक जिला मंडी के अंदर नामदारी गुरुद्वारा साहब में एक मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बजरंग दल ने 1 मई से 18 मई तक भारत प्रथम के नाम से पूरे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान से 24 जिलों के 117 प्रखंडों में अभियान छेड़ा है, जिससे मत प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में बढ़ाई जा सके। आने वाले 19 मई को लोकसभा चुनाव के अंदर जो मत प्रतिशत 50 से 52% हर वर्ष रहता है, उसे बढ़ाकर हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे 100% तक ले जाया जा सके। उसमें नवीन मतदाता को टच करने के लिए हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया। अलग अलग स्थानों के ऊपर, अलग अलग जिलों में प्रचार प्रसार के माध्यम से कार्य किए गए। विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं को जोड़ते हुए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उसके साथ साथ हमने बूथ स्तर के ऊपर प्रचार प्रसार के साथ साथ हमने पत्रक वितरण भी किया गया, जिसमें लोगों को कंपैरेटिव जाके तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से बताया कि किसे मतदान करें, क्यों मतदान करें, इसका करने का कारण क्या है। इसके लिए बजरंग दल का आज ये कार्यक्रम मंडी जिला में भी रखा गया था। चलाने का मूल मकसद ये है कि समाज के अंदर नवीन मतदाता जो 18 वर्ष की आयु से तुरंत जो मतदाता बना है वो मतदान करे, क्योंकि हर चुनाव में देखा गया है कि 50 से 55% तक मतदान हो पाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जनवरी 2019 तक वोटों की जो संख्या बनी है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो साइट पर दी गई 51 लाख के लगभग मतदान किया गया, और यदि 55% मतदान ही हो तो लगभग ऐसा लगता है कि 30 लाख मतदाता वोट डालेंगे और 20 लाख फिर छूट जाएंगे। तो हम चाहते हैं, हमारा ये कारण है, इसके नाते धार्मिक सामाजिक संस्था होने के नाते हमने ये प्रण लिया है कि अधिक से अधिक मतदान हो, ताकि अच्छे लोग चुनकर आए, हिंदू नेतृत्व चुनकर आए, जो हिंदू समाज की, हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा करने के लिए, गाय गंगा गीता की रक्षा करने वाले जो लोग हैं वो चुनकर इस समाज के अंदर आए। धारा 370 को खत्म करने वाले लोग, राम मंदिर का निर्माण के लिए कटिबद्ध जो लोग हैं वो लोग चुनकर आए। इस नाते बजरंग दल ये अभियान विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान से लिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।